मॉर्निंग। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जेंडर विद्यालय समाज पर चर्चा करेंगे, जिसमें महिला पर जो महिला का जो अधिकार है उसके लिए क्या प्रावधान चल रहा है, इसका प्रश्न हम आता है जो कैसे आएगा देखिए। महिला शिक्षा के लिए मूल प्रावधान क्या है समझाइए, महिला शिक्षा के लिए मूल प्रावधान क्या है या महिला को शिक्षा के लिए क्या क्या अधिकार प्राप्त है, टिप्पणी दी। इस प्रकार से अगर प्रश्न आते हैं ठीक, तो हम इसका आंसर कैसे लिखें, तो जेंडर विद्यालय समाज में महिलाओं के लिए जो शिक्षा का अधिकार है उस पर विचार करें, तो महिला अर्थात जेंडर विद्यालय समाज महिलाओं का समाज में स्थान किस प्रकार है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए जेंडर विद्यालय समाज में महिला का समाज में स्थान किस प्रकार है शिक्षा के अधिकार है ठीक। देखिए क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के कारण आज 1 मिलियन से भी अधिक महिलाएं पंचायत कार्य में जुटे हैं। 1 मिलियन से भी अधिक लोग क्या है भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को क्या मिला शिक्षा का अधिकार, जिसमें जो ग्रामीण स्तर है जो पंचायत स्तर है तो पंचायत स्तर में क्या किया गया महिलाओं एक अलग सा स्थान शिक्षा के लिए बनाया गया। कहां से पंचायत स्तर मतलब पंचायतों में काम देना, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, सामाजिक तौर पर हो, ऐतिहासिक तौर पर हो, राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक दृष्टि से हो, सबका अलग अलग क्या किया गया समूह निर्धारित किया गया। देखिए भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया पंचायत स्तर पर महिलाओं को क्या किया गया कार्य दिया गया, कार्य सौंपा गया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर अमुक काम कर सकते हैं, आपको इस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। आगे क्या हुआ भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन के कारण आज 1 मिलियन से अधिक महिलाएं पंचायत स्तर कार्य में जुट गई, 1 मिलियन से भी अधिक तो क्या किया पंचायत के कार्य में जुट गई। उसके बाद भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम और संशोधन के आधार पर महिलाओं को विभिन्न अधिकार प्रदान किया गया, क्या किया गया भारतीय संविधान अधिनियम के साथ साथ संशोधन पर आधार दिया गया कि नया जो पंचायत है पंचायत स्तर पर जो काम है उसको आप क्या करेंगे एक सर अधिकार तक आपका यह अधिकार दिया जाता है, आपको पंचायत स्तर तक कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। कहां दिया देखिए हम अभी क्या पढ़े महिला शिक्षा के मूल प्रावधान, जो शिक्षा के मूल प्रावधान था उसे पहले क्या था पंचायत स्तर पर कार्य में महिलाओं को क्या किया गया अधिकार प्राप्त करा दिया ठीक है कि आपका मूल प्रावधान क्या है आप पंचायत स्तर पर यह कार्य को करने का आपको अधिकार प्रदान किया जाए ठीक। इसके बाद अब विभिन्न अधिकार प्रदान किए, तो विभिन्न अधिकार कौन कौन से अधिकार जो अलग अलग अधिकार है जो प्रत्येक अधिकार महिलाओं को पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्तर पर दिया गया उसे पहला अधिकार यह दिया गया कि भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार या आलेख 14 में दिया। तो आलेख 14 क्या कहता है भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया सर्वप्रथम क्या देगा महिलाओं को समानता का अधिकार अर्थात पुरुष और महिला में समान अधिकार। अगर पुरुष को शिक्षा का अधिकार है तो महिला को भी क्या दिया गया शिक्षा अधिकार दिया। अगर पुरुष को राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी पद पर अधिकार है पद का तो महिला की भी क्या उसका अधिकार अर्थात दोनों को समान रूप से अधिकार प्रदान हुआ। तो वही को पहला क्या क्या कहा गया भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जो भारत का भारत हमारा जो संविधान है उसमें महिलाओं को भी क्या किया गया आलेख 14 के आधार पर समानता का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा अधिकार क्या है भारतीय संविधान में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार आलेख 15 ठीक आलेख 15 में पुरुषों के समान स्त्रियों को क्या किया है पुरुषों के समान अधिकार दिया, पुरुषों के साथ कदम कदम मिलाकर चलने का अधिकार, पुरुषों से जो कार्य
कार्य करना उसका भैया स्त्री को क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, उसको अधिकार आले 15 में शामिल किया गया। कौन सा अधिकार? भारतीय संविधान संशोधन में स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करने का अधिकार, मतलब जितना अधिकार पुरुष को उतना अधिकार स्त्रियों को भी दिया। तीसरा देखिए, तीसरा अधिकार दिया गया भारतीय संविधान के अंतर्गत समान रोजगार के अवसर। देखिए मैं आपको, ये हो गया ठीक। 73वें संविधान संशोधन में निम्न प्रकार के संविधान का संशोधन किया गया, जिसमें तीसरा क्या है, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर। भारतीय संविधान संशोधन के अंतर्गत समान रोजगार के अवसर प्रदान, स्त्री को भी समान रोजगार, किसके अपेक्षा, पुरुष के अपेक्षा, अर्थात पुरुष को भी समान रोजगार, जो रोजगार कर रहा है वही रोजगार स्त्री को भी अवसर प्रदान दिया जाए ठीक। तो इसी को क्या कहेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत समान रोजगार के अवसर। इसके बाद चौथा है, चौथा भारतीय संविधान संशोधन में बोलने का अधिकार। जो भारतीय संविधान है, कोई भी समाज है चाहे न्याय हो, देखिए भारतीय संविधान में बोलने का अधिकार अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इस तीनों पालिका में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में बोलने का अधिकार भारतीय संविधान में स्त्री को दिया गया। अर्थात पहले क्या था, सिर्फ पुरुष को ही अधिकार था, कहां, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में बोलने का अधिकार किसको था, सिर्फ पुरुष को। लेकिन भारतीय संविधान में आले 19 में क्या संशोधन किया गया, नहीं, बोलने का अधिकार भी स्त्री को दे दिया गया। कहां, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में, आलेख 19 में ठीक। साथ ही साथ आलेख 19 में और क्या कहा गया है, संगठन बनाने का अधिकार स्त्रियों को क्या दिया गया, संगठन बनाने का अधिकार दिया ठीक। चौथा संगठन बनाने का, ठीक। अब कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में स्त्रियों को बोलने का अधिकार तो दे दिया, साथ ही साथ उसको संगठन बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दे भारतीय संविधान संशोधन 73वें में ठीक। क्या हुआ कि स्त्रियों को बोलने का अधिकार था, तो बोलने के साथ साथ उसको क्या होना चाहिए, संगठन बनाने का भी अधिकार होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, भारतीय संविधान संशोधन में स्त्रियों का संगठन बनाने का अधिकार भी प्रदान किया। तो स्त्रियों ने क्या किया, अपना अलग अलग संगठन बनाना प्रारंभ कर दिया ठीक। उसके भैया किसमें था, आलेख 19 में, साथ साथ क्या अधिकार प्रदान किया, अब उसको बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, उसके बाद किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार, किसी भी व्यवसाय उसको क्या माना गया, चार ख, किसी भी व्यवसाय करने का अधिकार, कोई भी रोजगार वह कर सकता, कहीं भी बिजनेस चालू कर सकता है, संगठन बना सकता है, बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, साथ साथ व्यवसाय करने का भी अधिकार महिलाओं को दे दिया ठीक है। तो देखिए आलेख 19 में कितने प्रकार के अधिकार दिए, सर्वप्रथम भारतीय संविधान संशोधन में बोलने का अधिकार, भारतीय संविधान संशोधन में संगठन बनाने का अधिकार और भारतीय संविधान संगठन में व्यवसाय करने का अधिकार स्त्रियों के, स्त्रियों को प्रदान कर दिया। अब पांचवा देखिए, योग्य चार ठीक, कहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में बोलने का अधिकार,
व्यवसाय करने का अधिकार और संगठन बनाने का अधिकार स्त्री को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब पांचवा क्या कहते हैं, पांचवा अधिकार जो आलेख 23-23 आलेख 23 में क्या कहा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें कहा गया है आलेख 23। शोषण विरुद्ध अधिकार, अगर महिलाओं ने कोई शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कोई भी गलत काम महिलाओं के प्रति अगर हो रहा है, उसको क्या है, शोषण विरुद्ध अधिकार उठाने का आवाज भारतीय संविधान संशोधन में पारित किया गया। कब, आलेख 23 के अंतर्गत क्रमांक 23 में। अगर महिलाओं के बीच अत्याचार या कोई किसी भी प्रकार की हानि अगर होती है, चाहे वो संगठन में हो, चाहे व्यवसाय में हो, या किसी भी प्रकार की दृष्टि से हो, क्या है, उसको शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार प्राप्त है। कौन से में, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आलेख 23। ठीक, तो आलेख 19 के साथ साथ आलेख 23 में क्या कहा गया है, देखिए भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में बोलने का अधिकार दिया गया है, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया, साथ ही साथ व्यवसाय करने का अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। महिलाएं चाहे कहां है, कहीं भी बिजनेस करके व्यवसाय किया कर सकते हैं, उसको अधिकार भारतीय संविधान संशोधन में को पारित है। ठीक, अब देखिए शास्त्रीकरण, ये तो क्या अधिकार की बात, अब अधिकार के साथ साथ शास्त्रीकरण महिलाओं को महिला शिक्षा के मूल प्रावधान में क्या किया गया, शास्त्रीकरण दे दिए गए। ठीक, तो शास्त्रीकरण क्या कहते हैं, क्या है शास्त्रीकरण, ठीक, तो शास्त्रीकरण अर्थात भारतीय संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन में शास्त्रीकरण के अर्थात परिवार में स्थिति, पहला क्या दिया गया, परिवार में स्थिति जानने का अधिकार, परिवार या परिवार में स्थिति, महिलाओं को क्या किया गया, परिवार का प्रमुख सदस्य मुखिया भी बना दिया गया भारतीय संविधान संशोधन में। क्या किया गया महिलाओं को, परिवार में स्थिति जानने के अधिकार, परिवार का मुखिया बनने का अधिकार किसको दे दिया गया, स्त्रियों को दे दिया गया। दूसरा शास्त्रीकरण यह हुआ अधिकारों की रक्षा, अब परिवार में क्या बना दिया, मुखिया तो बना दिया, परिवार का मुखिया कौन है, स्त्री, परिवार या घर का मुखिया कौन है, स्त्री। अब उसको अधिकार रक्षा, तो अधिकारों की रक्षा दूसरा क्या है, अधिकारों की रक्षा, तो परिवार का मुखिया स्त्री रहेगा और उसको अधिकारियों की रक्षा कौन करेंगे, पुरुष, उसके अधिकारियों की रक्षा कौन करेंगे, पुरुष, कहां, महिला शिक्षा के प्रधान मूल प्रधान के अंतर्गत, जो कि कौन से संविधान में, 73वें संविधान संशोधन, महिला को मुखिया बना दिया गया, स्त्री को परिवार में स्थिति जानने के, दूसरा अधिकारों की रक्षा, तीसरा क्या किया, ज्ञान अर्थात शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, बेटी पढ़ेगी विकास बढ़ेगी, प्रत्येक घर की जो स्त्री है बालिका है उसको पढ़ने का अधिकार दे दिया गया, सभी को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क साइकिल, निशुल्क ड्रेस, निशुल्क यूनिफॉर्म, निशुल्क बुक किताबें, सब क्या हो गया, शास्त्रीकरण के अंतर्गत प्राप्त किया गया शिक्षा। उसके बाद स्तर की उपलब्धता, शिक्षा के साथ साथ क्या किया गया, स्तर में सुधार किया गया, स्तर की उपलब्धता, अर्थात जो लड़कियों की स्तर है, अगर स्कूल दूर है तो जाने के लिए सुविधा, आने के लिए सुविधा, सब क्या किया, उसके स्तर में सुधार किया गया। उसके बाद पांचवा आजीविका की उपलब्धता, देखिए पांचवा क्या कहते हैं, आजीविका की उपलब्धता, आजीविका घर का मुखिया बनाने
वितरित करना का अधिकार उसको दे दिया। मतलब घर को किस प्रकार से उसको चलाना है, कैसे परिवार को संगठित करके रखना है, जीविका का साधन कहाँ से लाना है, कैसे करना है, इसका अधिकार दे देगा। फिर छठवां क्या है, समाज में उचित स्थान। क्या किया गया, समाज में उचित स्थान प्राप्त किया गया। ठीक, छठवां दे दिया समाज में उचित स्थान। अब देखिए सर्वप्रथम परिवार में उसको क्यों है, फिर समाज में भी पुरुष की जगह इस महिलाओं को भी काल दिया जाएगा, स्थान दे दिया घरों को समाज। अगर पुरुष समाज में बैठकर बोल सकता है तो महिला भी समाज में बैठकर बोल सकते, उसको भी संगठन बनाने का बोलने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक, तो यह था महिला शिक्षा के लिए मूल प्रावधान। महिला शिक्षा के लिए मूल प्रावधान कितने प्रकार का अधिकार थे वो आज, ठीक है, तो आज के लिए महिला शिक्षा के मूल प्रावधान में इतना ही कि महिलाओं को शिक्षा में कितने प्रकार के मूल प्रावधान दिए गए, यह क्या है, समाज उचित स्थान, जीविका की उपलब्धता, स्तर की उपलब्धता, शिक्षा, अधिकारों की रक्षा, परिवार की स्थिति, परिवार में उसकी मुखिया भी बना दिया। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक क्या था, महिला शिक्षा के लिए मूल प्रावधान। ठीक, आज के लिए इतना ही, अगर यह टिप्पणी में भी आ सकता है और प्रश्न के अंतर्गत भी आ सकता है कि क्या मूल शिक्षा के क्या प्रावधान है समझाइए, महिला शिक्षा के क्या प्रावधान है समझाइए, या टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।